सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले इलाइट पास कौन से इवेंट में आएगा और उसकी कंफर्म डेट, और साथ ही साथ गेम में आने वाले अपकमिंग न्यू गन स्किन की भी। तो भाई लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो भाई लोग इलाइट पास जो है वो फेटेड व्हील इवेंट में आने वाला है और उसकी कंफर्म डेट है 22 से 24 के बीच में। गरीना वाले कभी भी दे सकते हैं। और भाई लोग ये कन्फर्म है कि इलाइट पास 22 और 24 के बीच में आने वाला है। तो आप अभी से डायमंड बचा के रखिए और जिसने नहीं परचेज किए वो परचेज करके रखिए। और फेटेड व्हील में डिस्काउंट आपको कितना मिलता है तो वो तो आपको आपके लक पे ही डिपेंड करता है। अगर फेटेड व्हील में आपका लक अच्छा है तो आपको एक डायमंड या 99 डायमंड में भी मिल सकता है, और अगर आपका लक उतना अच्छा नहीं है तो आपको कम डिस्काउंट भी मिल सकता है। और साथ ही साथ 12 घंटे बाद आपको जो छोटे मोटे गेम में इवेंट है वो भी देखने मिलेंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे अपकमिंग न्यू गन स्किन्स के बारे में। जो हमारी गन स्किन्स है उसमें से 4 नए गन स्किन्स आ रहे हैं, जिसमें से पहला फेमस है, दूसरा UMP और तीसरा M4A1 और चौथा है छोटी पिस्तौल M500 जो अभी तक की नहीं आई है। तो भाई लोग जैसा कि आप देख सकते हो ये है हमारी नई UMP की गन स्किन, और ये आने वाली है हमारी गरीना फ्री फायर में, और ये हमें कोई भी ऐसे ही इवेंट में देखने को मिल सकती है। और इस गन का कलर भी काफ़ी ओपी दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं हम हमारी अगली गन की ओर। तो भाई लोग जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी M4A1 की गन की स्किन, और काफ़ी ओपी है और इसमें इलेक्ट्रिक शॉक निकल रहे हैं, काफ़ी ओपी दिख रही है यार। और ये भी हमें कोई इवेंट के अंदर ही दिख सकती है, इसका कलर और ये इलेक्ट्रिक शॉक काफ़ी गजब का दिख रहा है। तो भाई लोग चलिए चलते हैं हम हमारी अगली गन की ओर। तो भाई लोग हमारी अगली गन जो है उसका थीम पूरा बेस्ड है भुजा के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारी फेमस गन है और इसका पूरा थीम बेस्ड है भुजा के ऊपर, और इसमें से भी इलेक्ट्रिक शॉक निकल रहे हैं येलो कलर में से। और ये इसको देख के मुझे पिकाचो की याद आती है, वो भी ऐसे ही शॉक छोड़ता है ना। और इस गन पे भुजा लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये गन काफ़ी ओपी होने वाली है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली गन M500 के ऊपर। और गरीना फ्री फायर में पहली बार M500 की पहली स्किन आई है, और ये गन की स्किन भी काफ़ी ओपी होने वाली है। तो भाई लोग जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है वीडियो को कर देना लाइक, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसे लगी, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में।